ये पार्किंग करने वाले हैं बोट को, तो लेट्स सी, मजा आएगा। अभी यहाँ पे स्नान करते हैं, पूजा हो रही है, यहाँ पे सब है। मतलब नाव में अगर किसी को पिंडदान करवाना है तो वो पूजा भी यहाँ पे हो जाती है। और पंडित जी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, पिंडदान वगैरह। आप देख रहे हैं दो बांस बंधे हुए हैं, इनके बीच में एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खड़े होकर नहाना है, रस्सी आप पकड़ के नहाना होता है। इसलिए बनाया था कि ना, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे खड़े होकर नहाना होता है। गहराई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार यहाँ पे माहौल है। इनफैक्ट आई वुड से जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, जो अभी वेदर है आई वुड से बहुत ही अमेजिंग है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं यहाँ की, आपको रंग बिरंगे झंडे नज़र आएंगे, एक यू नो एक विक्ट्री को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जितने भी ये फ्लैग्स हैं। सो ये देखिए, ये लहराते हुए हवा इतनी अच्छी चल रही है यहाँ पे, आपको ब्रीद करने में सांस लेने में मज़ा आए, एक अलग ही एनर्जी है यहाँ पे। और सूर्य देव भी आते हैं, सब लोग मतलब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। अलग ही यहाँ पे एक्सपीरियंस होने वाला है आपको, जब भी आप इलाहाबाद आएंगे तो एक नेक्स्ट लेवल का आपको अनुभव होने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर लोगों की एक्टिविटी देख के, उनका बिहेवियर देख के, उनकी डेली का जो रूटीन है वो देख कर। ये देखिए, तो यहाँ पे और भी आपको नई चीज़ें दिखाते रहेंगे, जल्दी अभी आपको स्नान करते हैं। करने के बाद गाइस पूजा करवा ली है, तो उसके बाद दूध अर्पण करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है मैया रानी का हमें। और अगर एक दूसरा पहलू इसका देखा जाए तो जितने भी आई गेस मछली या जीव जंतु कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ उससे मिलता ही होगा। सो एक बहुत ही अमेजिंग दृश्य है मेरे यहाँ पर सामने, मज़ा आ रहा है। हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और अरे 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 ये अंकल भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर।
थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म होता है, मतलब 5 फुट एक नीचे होता है, एक फट्टा लगा होता है बेसिकली, इसको बांधा होता है उन्होंने। तो इसीलिए अगर थोड़ा आप हैवी और थोड़े हेल्दी हैं तो हो सकता है कि आपको चढ़ने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े एंड आपकी फिटनेस का भी टेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर हमारे सामने ऐसा ही एक नज़ारा चल रहा है जहाँ पे टीम वर्क का बहुत ही अमेजिंग आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये देखने में एंड आप भी इंजॉय करेंगे आई एम डैम श्योर। तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये देखकर। और अभी यहाँ पर गंगा मैया को दीप अर्पण करने की तैयारी हो रही है अंकल जी आंटी जी के द्वारा। रामू जोर लगा ले, रामू जोर लगा रहे, शाम ए शाम पकड़ रहे। एक अलग ही मोमेंट आने वाला है। अब हम बीच में चाय और पकोड़े को देखते हैं कैसा टेस्ट मिलता है आज का। तो ये देखिए, बोलिए गंगा मैया की जय। एंड फाइनली वी आर हियर। भैया क्या चाय है? 2 कप चाय दे दीजिए। साथ में क्या है? पकोड़े है? पकोड़े भी दे दीजिएगा। मैं आंटी पीता नहीं चाहूँ, मैं चाय नहीं पीता इसलिए 2 करवाए। हाँ जी, चाय 2 दे दीजिएगा भैया। ये देखिए यहीं से ही सब बन रहा है यहाँ पे। भैया जी हैं हमारे, आए भैया आ गए तुरंत। ये देखिए सब ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे भैया को, दूर से सब कुछ ऑनलाइन ही है। ये चाय आ चुकी है, ये आप पियेंगे चाय, आप ले लीजिए। तो मूवी है चाय आंटी के लिए, और ये पकौड़े भी आ जाएंगे। देखिए सब मतलब ये सब कामयाब है भैया के पास, पकौड़ी चाय सब कुछ यहाँ पे बना के दे रहे हैं। अभी चाय पकौड़े खा चुके हैं हम लोग। अभी भैया एक और कहानी बताने वाले हैं, सच्चा बाबा मंदिर जो आपको बताया गया था। प्लीज़ भैया। सच्चा बाबा महाराज जी का एक बार भंडारा करा रहे थे यहाँ पे जी, उनका घी खत्म हो गया रात को 12 बजे। ठीक है, जब घी खत्म हो गया सारे दुकानें बंद हो गए, घी कहीं नहीं मिला जी। अपने शिष्यों से कहा जाओ गंगिया से घी लेके आओ, 2 कनस्टर दिए उनको खाली जी, आया गंगा जल ले। गंगा जल भर के ले गए, गंगा जल भर के ले गए घी की जगह पे, घी की जगह पे कढ़ाई में डाल दिए, पूरा घी हो गया देसी घी। मतलब वो गंगा जल जब कढ़ाई में डाला वो घी में बदल गया, घी में बदल गया। अरे घी में बदल गया, 24 घंटा भंडारा हुआ, घी खत्म नहीं हुआ जी। जब सुबह हुआ बाबा ने बाजार से 4 टीना घी मंगवाया देसी, 4 टीन बाजार से घी मंगवाए, 4 टीन ले आके गंगा जी में दिए, गंगिया के दे आए। तो
तो यानी कि वो भैया का कहने का मतलब है कि चार टीन बाबा जी ने बाजार से मंगवाए और वो गंगा मैया में समर्पित कर दिए, कि वो बदला किया कि आपने जो हमें दो टीन घी के दिए थे उसके बदले ये चार घी आपको समर्पित कर रहे हैं। मतलब ये चमत्कार है, आप समझे गाइस कि जो जल था वो घी में बदल गया कढ़ाइयों में डालते ही। तो मतलब ये चमत्कार है यहाँ पे गंगा मैया का, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी है जो जेन्युइन है, असली है, जो कथा ये सुनाई है भैया ने हमें। तो यही प्रभु रामचंद्र जी ने रुके थे रात भर, जी रात भर रुके थे, सुबह स्नान करके यहीं से चित्रकूट गए। अच्छा, यही सामने से वो आप घाट देख रहे हैं भाई, वो वाला मंदिर, तो वो मंदिर है सामने, और वहाँ से श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किया था उन्होंने। 140 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, उसमें घोड़ा गाड़ी था नहीं, पैदल 140 किलोमीटर यहाँ से चित्रकूट। अरे 140 किलोमीटर मतलब पैदल गए थे श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और सीता मैया के साथ। ट्रेन तो कितने भी होंगे, ट्रेन भी जाती हैं, हम तो आप तो भवसागर पार करते हैं, हम छोटी सी नदी पार करते हैं जी। जब हम कभी हम आए आपके पास, हमें भवसागर से पार करना है। ठीक है, सीता मैया ने क्या कहा, अगर आज इनको हम उतराई नहीं देंगे जी, इनको कोई उतराई नहीं देगा। ठीक है, तभी सीता मैया ने उनको छल्ला मुंदरगा करके बर्फ कर दिया। तो मतलब अपने सोने की अंगूठी दी थी उन्हें। ठीक है। तो कमाल है, मतलब कितने हजारों साल पहले यहाँ पे वो घटनाएं, वो दृश्य हुए हैं, और आज भी मतलब उसके तथ्य हैं यहाँ पे। तथ्य हैं, आज भी आप गंगा जी से खाना से बना सकते हैं, खाना पूरा खाना बना सकते हैं जी, बिना इनके। हम लोग जब खाना बनाना रहता है, हाँ जी हाँ जी, तेल मसाला नहीं डालते। अच्छा जी, इनके जल से खाना खाते, जल से ही बनते हैं। ठीक है, मतलब आज भी यहाँ पे जो लोग खाना बनाते हैं गंगा मैया के जल से ही बनाते हैं, जो यहाँ रहता है किनारे, जो किनारे पे रहते हैं, जो भी केवट है, मतलब जैसे हम लोग आज घर नहीं गए तो नाव में है, नाव में जल से खाना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तेल मसाला कुछ नहीं, सिर्फ सादा नमक। तो वो भी बस मैया का ही आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है ये। नहीं, अपने भारत में मतलब ये तो कमाल है कि अभी भी उन चीज़ों के चमत्कार तो करने नहीं आता। हाँ, इतनी दूर दूर से लोग नहीं आते अगर ऐसा कुछ नहीं होता। सही है बात है, उनसे मांगा करते हैं, डाला नहीं करते हैं, उनको मांगते हैं तुम डालते हो। हाँ, इन्हीं का तो है ही है, उन्हीं का दिया हुआ है, अपना क्या रहा, अपन कुछ लेके दे दिया है। मोस्टली हाथ वाली चलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है केवट जी श्री राम जी को ऐसी हाथ वाली बोट से ही लेके गए थे पार करवाने के लिए। अकबर का किला है ना, अशोक ने बनवाया है, राज किया था। अच्छा, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। भाई हम लोग किनारे पे आ चुके हैं, अब उसके बाद चलते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर। तो फाइनली धन्यवाद गोविंद भैया, देखिए बस नाव से, एक नाव से दूसरे नाव जा रहे हैं ये भैया, क्या हाल है। सो अभी हम चलने वाले हैं बड़े हनुमान जी मंदिर, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा। और आंटी अंकल से हमने ले ली है विदा, और मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि मैं जो इनका वीडियो है, आई मीन ये जो व्लॉग है जिसमें कवर अप किया है, सो मैं जल्दी ही इनसे शेयर करूँगा, एंड डेफिनेटली हम अपना प्रोग्रेस निभाएंगे। और अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि आगे वाराणसी का भी प्लान है, और वहाँ की अभी आपको पूरा मैं मौसम दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। जय गंगे मैया।